हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे आयरन मैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हैं कि आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एवेंजर एंड गेम के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि वो अब इस कैरेक्टर को नहीं करेंगे। पर समय के साथ इंसान की सोच बदल जाती है और वो फ्यूचर में क्या करेगा ये भी काफी कुछ चेंज हो जाता है, चाहे उनने पहले कुछ भी कहा हो। तो आप सभी जानते हैं कि डिज्नी प्लस आ रही है अपकमिंग टीवी सीरीज, उसकी व्हाट इफ। अब उसमें जो एक कैरेक्टर है आयरन मैन का, उसको प्ले करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि एक एनिमेशन टीवी सीरीज है जिसको वॉइस ओवर देंगे हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो ही आयरन मैन कैरेक्टर के लिए। तो ये मार्वल फैंस के लिए काफी बड़ी बात है कि वो एक्टर दोबारा से रिटर्न हो रहा है, चाहे वो एनिमेशन सीरीज हो। अब मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ये 2021 को रिलीज हो रही है, जिसमें कि आयरन मैन जिस टीवी सीरीज में आएगा, यानी कि टोटल 7 से या 8 एपिसोड होंगे, जिसमें कि आयरन मैन का कैरेक्टर जहां पर होगा वहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ऑफिशियली वॉइस होगी। पर इसका कहीं भी कनेक्शन नहीं होगा अदर टीवी सीरीज से या मूवीज से। व्हाट इफ हमें सिर्फ एक अल्टरनेट टाइमलाइन के हिसाब से दिखाई जाएगी, जी हाँ, जिसमें कि जो पॉसिबल नहीं हो पाया मूवी में वो इस टीवी सीरीज में दिखाया जाएगा। तो डिज्नी प्लस की जो व्हाट इफ आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप इसको भी जरूर देखिएगा। ये हिंदी में भी डब होगी और हॉटस्टार पे भी रिलीज होगी, जी हाँ। तो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है ये सब कुछ, और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर रिटर्न हो रहे हैं। अब कैसे भी रिटर्न हो रहे हैं, पर हो तो रहे हैं, और मार्वल फैंस के लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।